हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और क्या सो आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सबको मेरी नाइट का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और जो है, दो दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो मैं दो दिन बाद ब्लॉग जो है बना रही। और मैं सोचती हूँ हमेशा ब्लॉग को कंप्लीट रखूँ, मतलब ऐसा होता ना हर दिन ब्लॉग बनाऊँ, बट पता नहीं लोग कैसे बना लेते, मेरे से नहीं हो पाता है। और कब हो जाएगा, कब लोगों में देखती हूँ ना, जैसे ब्लॉगर्स होते हैं तो सब मतलब डेली डेली ब्लॉग्स, मतलब और शायद मेरा जो है मेरे अंदर उतना आया नहीं कि मैं ब्लॉग को कंप्लीट करूँ। पता नहीं किस वजह से जो है नहीं हो पाता। और इतनी मतलब मैं सोचती हूँ कि कंप्लीट करूँगी, पर इतना मतलब सुस्तीपन आ जाता है कि मन ही नहीं होता है कि मैं उठ के रिकॉर्ड करूँ, फिर ब्लॉग करूँ। पता नहीं कैसे कैसे जाके मतलब कंप्लीट हो पाया। और चीज़ें ऐसी है कि दो दिन से तो, और थोड़ा अगर कभी मूड ऑफ हो जाए और कभी कोई आ जाए घर पे, या फिर कभी हम कहीं चले जाए, तो पता नहीं उस दिन ऐसा होता है लोगों को, लोग उस दिन अच्छे से ब्लॉग बनाता है, बट मेरा ऐसा होता है कि अगर कुछ कर रहे हैं स्पेशल, कुछ हो रहा है या कुछ हुआ, तो पता नहीं उस दिन ब्लॉग तो बनेगा ही नहीं। और बनेगा नहीं तो बनेगा नहीं, साथ ही साथ मतलब उस दिन मुझे वीडियो अपलोड करने का एक पॉइंट भी मतलब एनर्जी नहीं रहता, बस मन होता है कि उस दिन ख़त्म, वीडियो ही नहीं अपलोड कर पाती हूँ मैं। तो मैंने दो दिन से जो है ना अपना शॉर्ट्स के लिए, उसके लिए भी मैंने जो है ज़्यादा वीडियोज़ नहीं अपलोड किए, और ज़्यादा क्या उसके उस पर भी मैंने वीडियोज़ अपने नहीं किए थे। और जो है ब्लॉग वगैरह तो वो भी नहीं कर पाई, जो खैर छोड़े सब बातें को। और तो फिर मैंने ना नवाफ को रेडी करने के, रेडी बोले तो उसको मैं रात में कपड़ा पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि जो है रात में वो ढकता वगैरह है नहीं, और फिर रात में ठंड, और वो सोता है मेरे दादा मतलब अपने मामा के साथ होता है, तो जो है इसी वजह से मैं पहना देती हूँ ताकि जो है उसको ठंड ना लगे। और नुहा को मैं अपने पास रखती हूँ, नुहा और मैं एक साथ रहते हैं। और जो है तो फिर हमने जो है रात में, वैसे कुछ ज़्यादा हमारा कुछ होता नहीं है, शाम का 6 बजे जो है, 6 से 5 जो है हम लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद नवाफ को जो है थोड़ा सा ऐसे खेलने देते हैं, और नवाफ और नुहा दोनों खेलता है, लड़ाई करता है। और बाकी उस टाइम फिर जब हम लोग डिनर करते हैं 9 बजे के आसपास, डिनर होने के बाद फिर जाके 10 से 11 बजे तक बेड पे आते हैं, और जाके नुहा का सोते सोते नवाफ और नुहा दोनों का, नवाफ जो है किसी दिन जल्दी सो जाता है, किसी दिन लेट सोता है, बट नुहा हमारी भाई मतलब ऐसा है ना कि उसकी टाइमिंग की अगर बात करूँ ना, तो एकदम बहुत गलत टाइम उसने अपने आप पर कर लिया है। एक वो सोती है सुबह के टाइम पर, एक नैप लेती है, उसके बाद एक जो है शाम के टाइम पे, जैसे कि 4 से 6 के बीच में वो एक बार सोती है, उसके बाद जो उठती है वो तो सीधा 12:30 उसका बजता है, कभी 12:30, कभी 12, कभी 11:30, उससे पहले तो उसको सोना नहीं होता है। तो जाके वो लोग ऐसे खेलने के बाद फिर सोया, देन जो है नेक्स्ट डे जो है, तो फिर मैंने ये वाला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप सब, आई होप आप सब खैर से होंगे। सो अभी काम हो रहा है, आपको एक चीज़ दिखा रहा है, इस एसी को देखिए, अंदर में देख रहा हूँ गंदगी, बात समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलेगा, क्योंकि सबके साथ ज़्यादा जोरों कुश्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सबके साथ ज़्यादा जोरों कुश्ती करेंगे ना तो नेट फट सकता है, तो इसीलिए दादा भी जो है काम कर दिखा रही हूँ मैं कौन सा काम करे, काफ़ी सुस्त ले जा, रात भर सही से नींद नहीं हुई है, तो इसीलिए काफ़ी सुस्ती सुस्ती सा लग रहा है। अब क्या है वो टप टप कर साप। धूल और ये खुल गया आपका, क्योंकि नया है तो थोड़ा सा खुलने में मेहनत लग रहा था। देखे 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 यहाँ पर देखे कितनी धूल है, ऐसे पता चल जाएगा।
वो नहीं पता चल रहा है, हाथ से नहीं जा रहा है ये, बहुत मतलब चिपक के बैठा हुआ है, तो पूरा ऐसे पानी से ही जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कचरा सारा है, इसको भी साफ कर देते हैं। जो हाथ से साफ होगा उसको हाथ से करेंगे, बाकी सारे को सेल्फ क्लीन। तो सेल्फ क्लीन करने से यहाँ पर निगाह बर्फ आ जाएगा, ठीक है? देखना तुम जादू। हाथ से नहीं करना चाहिए साफ, फिर भी हम कर ले रहे थोड़ा सा। चलो अब लगाते हैं सेल्फ क्लीन, इसको बंद कर देते हैं। देखना है क्या? देख भी लेंगे। तो बटन है ये वाला, क्लीन होगा। गाइस देखो यहाँ पे पूरा बर्फ बन गया है और गंदगी से भी निकल रहा है पूरा। सही बोले, बर्फ सब गंदगी सब, बर्फ सब पानी बन जाएगा, बर्फ सब पानी बन के तब निकलेगा। तो दादा यहाँ पे एसी साफ किया और मैं जो है फिर रिकॉर्ड करना भूल गई थी और दिखाई नहीं पाई। और अभी क्या हो ना कि दो दिन से थोड़ा मूड वगैरह सब कुछ ऑफ चल रहा है, तो अब ब्लॉग मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ। और फिर भी अगर आप लोग फिर कोई कमेंट करोगे कि मैं तो ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली क्या है ये मेरा एक काम की तरह मैंने ले लिया है ब्लॉग बनाना और ये सारी चीज़, तो मैं बस उस काम का आदी होना चाहती हूँ। जैसे आप लोग, हम लोग दुनिया में कोई भी हो जो काम करता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मूड ऑफ ये वो सब, ये सब से ना कभी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो रुक जाए। तो काम जो कर रहे हो वो करते रहे, इसी वजह से मैं अपने आप को डालने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ ना वो ना रुके, ताकि वो एक आदत पड़ जाए कि नहीं मुझे करना है तो करना ही है। और मैं बस, मैंने खुद से सोचा हुआ है कि मुझे डेली ब्लॉग्स डालना है, तो मैं बस इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मुझे डालना पड़ेगा। अगर मैं नहीं डालती हूँ ना तो मुझे उस दिन ख़राब लगता है, बस इसीलिए मैं डालने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस प्लीज़ मुझे प्यार दीजिएगा, लाइक सपोर्ट सब कुछ करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।